किसान भाइयों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है जैविक खेती की मेरी दुनिया में। आप देख रहे हैं अमेजिंग किसान चैनल। किसान भाइयों, आज हमारे साथ एक अमेजिंग किसान है, प्रमोद कौशिक जी, जो धौलपुर से आए हैं। और धौलपुर अभी तक मैं बताता कि मध्य प्रदेश में है, ये राजस्थान में है। और ये मेरा फार्म देखने आए हैं, परसों रात आए थे। कल फिर मैंने कहा कि भाई जब आप आ रहे हैं इतनी दूर, तो एक दिन हरिद्वार भी घूमने का प्रोग्राम बनाना, तो कल ये हरिद्वार घूम के आए हैं, गंगा की आरती देखी है और आज का दिन ये हमारे फार्म पर गुजारे हैं। किसान भाइयों, एक बार हमारे अमेजिंग किसान ग्रुप में वर्मी बेड पर चर्चा हुई थी, तो एक भाई ने लिंक भेजा था कि कोई गुजरात में है, 1000 रुपये का, 1100 रुपये का एक वर्मी बेड दे रहा है, और अगर आप उससे 5 बेड खरीदें। किसान भाइयों, आज की ये चर्चा मैं बेड की क्वालिटी और किस प्रकार किसानों का एक तरह से चीटिंग होती है उसका एक नमूना दिखाऊंगा आपको। वर्मी बेड पर आप कभी भी सिर्फ पैसा ही न देखें, उसकी जब तक क्वालिटी सुनिश्चित न कर लें तब तक कोई भी चीज़ न खरीदें। अभी मैं आपको 2 बेड दिखाऊंगा। ये पहला बेड है जो मैंने 2300 रुपये का लिया था Amazon.com से। वहाँ से ये गोवा से आया था मेरे पास में, 2300 रुपये पर घर डिलीवर हुआ था। और मज़े की बात यह है कि ये केवल 4थे या 5वें दिन मेरे पास घर डिलीवर हो गया। इसकी क्वालिटी और जो मैंने एक नागपुर में है फार्म, जो इंडिया मार्ट के थ्रू मेरे पास मैसेज आया था, उन्होंने भेजा है, ज़मीन आसमान का फ़र्क। अगर आप इस गोवा वाले वर्मी बेड को 4 स्टार देंगे तो उसको आप 1 ही स्टार देंगे। न उसकी क्वालिटी है, न उसकी सिलाई सही है, न उसका कोई स्टैंडर्ड है, लेकिन मैं अब ठगा सा महसूस कर रहा हूँ उसको। मैं आपको बिल्कुल प्रत्येक चीज़ दिखाऊंगा और प्रमोद कौशिक जी उसके साक्षी हैं, और उसके कई पहलुओं पर आपको ये दिखाऊंगा कि ये बेड आपको क्यों नहीं खरीदना चाहिए, और इस बात को इतना फैलाया जाए कि वो वर्मी बेड जो नागपुर वाले हैं जिन्होंने मेरे को भेजा है वो मजबूर हो जाए। उन्होंने मेरे साथ दो तरह की, एक तरह से मेरे साथ चीटिंग हुई है। क्वालिटी बहुत ख़राब भेजी है, पैसे मैं एडवांस में दे चुका था, और उन्होंने मेरे को 7वें दिन डिलीवरी का प्रॉमिस किया था और ये मेरे पास 3 सप्ताह के बाद आई। उन्होंने किसी भी ट्रांसपोर्ट को दे दिया, उस ट्रांसपोर्ट ने 15 दिन लाने में लगा। तो मेरा जो पूरी यूनिट है वो डिले हो गई है, और अब मुझे मुश्किल से ही, बड़ी मुश्किल से मेरे को 20 जून को इसका बना हुआ खाद मिल सकेगा। आइए इसका इवेल्युएशन करते हैं, आप अपनी आंखों से देखिए और संतुष्ट हो जाइए, और गवाह हैं इस बात के प्रमोद कौशिक। आइए देखते हैं उसके विशेष। ये देखिए, पहला अंतर है, ये ISO 9001 सर्टिफाइड कंपनी है। ये आपको कहीं भी देखेगा, इसकी पूरी जो बेड है, ये बैग है, इस पर पूरी पर ये मोहर मिलेगी आपको, स्टैम्प मिलेगी कि ये ISO 9001 सर्टिफाइड कंपनी है। ये है पहला। दूसरा ये देखिए, ये जो इसके जो ये कॉलम हैं, ये वाले कॉलम हैं, ये देखिए ऊपर से लेकर और नीचे तक है, और इसका जो सबसे पहला कॉलम है लंबाई में वो बिल्कुल कोने पर है। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि इसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, ये देखिए। तीसरा ये देखिए कि इसमें ये डबल सिलाई है, ये देखिए डबल सिलाई है, ये इन्होंने डबल सिलाई दी है, और जब इसे मोड़ेंगे तो ये इन्होंने मोड़ कर दी है सिलाई, जिससे कि ये ऊपर की जो सतह है ये मजबूत हो गई है, है ना। ये तीसरा अंतर है। चौथा अंतर ये देखिए कि इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 1, 2, 3 और यहाँ पर है ये 4 और ये 5 और 6 और 7, 7 जो इसके कॉलम हैं जो इन्होंने सपोर्ट लगाई हैं, ये लंबाई की साइड में लगाई हैं, तो 7 इस तरफ हुई, 7 दूसरी तरफ हुई, 14 और 2 हुई इनकी साइड में, ये देखिए ये साइड में, एक इस तरफ चौड़ाई के, एक उस तरफ, तो 16 हो गई ये इस तरह से। तो इसमें 16 सपोर्ट है जो कि इसको बहुत अच्छे से करती है। अगला अंतर देखिए चौथा, ये जाली देखिए, ये इसकी जाली देखिए, ये जाली कितनी अच्छी क्वालिटी है, ये देखिए इसकी क्वालिटी, ये जाली देखिए और कितनी अच्छी तरह से इसमें सिलाई की गई है, ये देखिए इसके अंदर,
क्वालिटी कितनी अच्छी लगती है ये आपको देखिए। ये चार अंतर हैं, आइए इसके बाद देखते हैं पांचवा अंतर। ये देखिए ये पांचवा अंतर है, जो इसका आउटलेट है इसमें बहुत अच्छी तरीके से साइड में बनाया गया है। अगर आप देखो तो इसे नीचे की तरफ बनाया गया है और नीचे जाली के बाद एक फिर इस तरह की पॉलीथीन की सपोर्ट दी गई है, जबकि नागपुर से जो आया है उसमें इस तरह की कोई बात नहीं है। एक और अंतर देखिए इसकी क्वालिटी का, ये जो क्वालिटी है इसकी, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है जो मैंने कंपैरिजन की है दोनों को देखकर, चूंकि जब दोनों को देखते हैं तो तब पता चलता है कि कितनी अच्छी क्वालिटी है। तो ये छह अंतर लगभग मैंने गिनाए हैं आपको। यह है पूजा पैकवेल नागपुर द्वारा जो सैंपल भेजा गया था, जो सैंपल का फोटो भेजा गया था। आप देखिए इसे ध्यान से कि ये ऊपर की तरफ से मुड़ा हुआ है और ये जो मेरे को भेजा गया ये नहीं है। आप ध्यान से इसका एरिनेशन की जाली भी देखिए, जो मेरे को भेजी गई है उसमें अलग किस्म की है और इसमें अलग किस्म की है, तो मेरी साथ इन्होंने पूरी चीटिंग की है। और ये है उनका बिल जो उन्होंने मेरे को भेजा है, आप इसे देखेंगे ये 6000 रुपये के बैग हैं, 560 रुपये इसमें या 500 रुपये इसमें ट्रांसपोर्ट चार्जेज है, 1170 रुपये GST है। इस प्रकार 7670 रुपये में ये पांच बैग मेरे को पड़े हैं। भाइयों ये है मेरा वर्मी बेड यूनिट, ये 20x30 का है, 20 फुट ये चौड़ा है और 30 फुट लंबा है जो मैंने बनाया है। इसमें 6 वर्मी बेड मैंने लगाने के निश्चय किया है। देखिए किस तरह से, ये देखिए ये दो बेड इस तरफ हैं और ये तीन वर्मी बेड जो है ना उस तरफ हैं। इनको आज मैं जोड़कर इनमें मैंने खाद भी डाल दिया। अब आपकी इसकी क्वालिटी देखते हैं। देखिए पहला अंतर, ये कोई भी ISO सर्टिफाइड कंपनी नहीं है। पहला अंतर देखिए आप इसका, कहीं भी कोई नहीं है। दूसरा अंतर ये ध्यान से देखिए, इन्होंने इसमें भी सेविंग की है, इसको जो सपोर्ट है ये यहाँ पे रोक दिया है, उन्होंने इसको मोड़कर इस तरह से किया था ऊपर से तो। और इसकी सिलाई देखिए कितनी बेकार सिलाई है इसके साथ, क्वालिटी देखिए सिलाई। और इसकी जो ये है ये भी उतनी बढ़िया प्लास्टिक नहीं है जितनी उसकी है, तो मुझे डाउट है कि ये 450 है। आप इसके देखिए सिंगल सिलाई दी है इन्होंने, ये देखिए ये सब जगह सिंगल सिलाई दी है और डबल सिलाई नहीं है, इसलिए ये सस्ता है। जो मेन अंतर है ये ऊपर की तरफ देखिए, ये खड़ी हुई है, ये आपके हाथ में भी लगेगी, इसको मोड़ा नहीं है। और क्वालिटी इतनी बेकार है इसकी कि ये देखिए ये वाला है, ये यहाँ पे मोड़ दिया, इस वाले को देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे मोड़ दिया, यानी ये इस साइड लंबाई साइड में बड़ा था और ये छोटा था। आइए ये जो डंडे हैं इसके जो सपोर्ट लगाते हैं, इसमें 14 डंडों में काम चलता है, उसमें 16 चाहिए, दो डंडे कम कर दिए, इसलिए ये स्टेबल कम है। अब ये आप जाली देखिए इसकी, बिल्कुल मसहरी वाली जाली, कितनी थर्ड क्लास जाली है ये देखिए, ये वाली जाली जो एरिनेशन के लिए, अंदर से देखिए आपको देखने में ही अंतर लग जाएगा, देखने का ये देखिए कितनी है। और इसके अलावा ये जाली की सिलाई, और जाली की सिलाई भी देखिए, मतलब सिलाई में तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप किसी अच्छी टेलर की दुकान पे जाएं और कोई जैसे गांव में किसी को नया नया सीख रहा हो। देखिए सिलाई की क्वालिटी भी देखिए आप, कितनी बेकार क्वालिटी है इसकी। यहाँ पे सिंगल सिलाई है, ये कटा हुआ है, हाँ यहाँ पे सिंगल सिलाई है, ये बहुत ज्यादा चलने वाले नहीं है। देखिए इसका ये निकल सकता है, और ये देख लीजिए, और मैं एक इसमें अंतर दिखाता हूँ, ये देखिए इसकी क्वालिटी देखिए अंदर, ये देखिए। और मैं एक विशेष अंतर देखा हूँ, मेरे को कहाँ पे इसको सबसे ज्यादा स्टक हुआ, इस वाले को देखिए, इसे पकड़िए, इसको पकड़िए जरा, ये देखिए जो लंबाई वाला है ये देखिए कितना ऊंचा है, ये देखिए कितना ऊंचा है लंबाई वाला, और तो ये छोटा होगा। इसी प्रकार इस वाले को देखिए, ये यहाँ पे मोड़ दो, ये कितना बड़ा है देखिए आप, ये किस प्रकार मोड़ा हुआ है और ये कैसा। तो किसान भाइयों ये मुझे लगभग 1500 रुपए का पड़ा है, और मैंने 600 रुपए बचाने के चक्कर में, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे 1500 रुपए भी वेस्ट गए। और इसीलिए मैं सब आपको सावधान कर रहा हूं कि कोई भी भाई इस प्रकार की कंपनी के छलावे में न आए, ये सब किसानों को लूटने के लिए खड़े हैं, धोखाधड़ी के लिए खड़े हैं,
और इस तरह की कोई भी फोटो बहुत अच्छी दिखाएंगे और जो भेजेंगे किसी भी तरह का काम नहीं देते। तो किसान भाइयों, अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो मैंने वर्मी बेड वहाँ से ख़रीदा था, तो आप इन जब भी कोई पैसे की बात करें तो ध्यान रहे सिलाई डबल है या सिंगल है, एरिनेशन के लिए जो जाली लगाई है क्या क्वालिटी है, ऊपर से मुड़ी हुई है या नहीं है, ठीक है, कितने डंडे की सपोर्ट है इसमें, ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो ही आप इस प्रकार की धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों से बचे रहेंगे और आपको नुकसान होने के कम चांस हैं। आइए अब जानते हैं, ये हमारे प्रमोद कौशिक जी के हैं, कि क्या जो मैंने बातें कही हैं कि क्या वो इनको अपनी आंखों से दिखाया, क्या वो सही है या नहीं, आप अपने विचार बताइए इन दोनों को देखने के बारे में। मैं प्रमोद कुमार कौशिक जिला धौलपुर से हूँ और त्यागी जी के फार्म पे मैं घूमने के लिए आया हुआ हूँ, फार्म को पूरा देखने के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने जो देखा ना, खेती में एक सिस्टमेटिक ढंग होना ये एक बहुत जरूरी चीज है। हमारे जो त्यागी जी हैं वो एक एक पौधे के एक एक पत्ते पे नजर रखते हैं और कहीं भी उनको कोई कमी दिखाई देती है तो उसको तुरंत दूर करने का प्रयास करते हैं। मेरे सामने अभी अभी ये जो वर्मी कंपोस्ट बनाने के बेड हैं और इनको पूरा दिखाया गया है। वास्तव में ही जो पहले आपको जो वर्मी कंपोस्ट का जो दिखाया था वो एक अच्छी क्वालिटी है, ISO 9001 सर्टिफाइड कंपनी की वो वैरायटी है, और इसको अगर देखा जाए तो ये तो बिल्कुल थर्ड क्लास है। मुझे लगता है कि ये 2 साल भी नहीं चलने वाले, जबकि उस कंपनी का जो है वो 6 साल में भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, 6 साल 7 साल। अच्छा, अगर हम कौशिक जी 5 स्टार की बात करें तो 5 स्टार में से उस वाले को कितने स्टार देंगे आप और इस वाले को? उसे पूरे 5 स्टार ही दिए जाएंगे, जबकि इसको 1 स्टार अपन दे सकते हैं, बस उससे ज्यादा रेटिंग। अब देखिए कितना फर्क है, तो मेरे को तो ये 1000 रुपए में भी ये एक कोई नहीं लग रहा कि इतनी अच्छी क्वालिटी है ये, तो आप ये चीज ध्यान रखना। और इसका आउटलेट जो है ना, ये मैं सबको दिखाता हूँ कि इसके आउटलेट का एक नमूना दिखाता हूँ मैं, उस तरफ है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जो आउटलेट बनाया है। ये देखिए इस वाले का आउटलेट देखिए, देखिए कितने ऊपर बनाया गया, ये कैसे इसमें पाइप जाएगा, ये बाहर की तरफ से ही दिखा दिया इन्होंने, ये बिल्कुल अंदर अंदर नीचे की तरफ होना चाहिए था, ये बाहर दिखाई नहीं देना चाहिए इसमें करने के लिए। तो इनकी कोई क्वालिटी नहीं है, इन्होंने ठेके पे दे दिया किसी को और उसने काट फीट के इनको सबको तैयार कर दिया। तो किसान भाइयों, ये था पूजा पैकवेल नागपुर का सच, जहां से मैंने ये 5 वर्मी बेड खरीदे हैं। ये 7,660 रुपये में आए हैं, लगभग 1500 रुपये का एक पड़ा है। तो इन्होंने मेरे साथ दो तरह का, मैं अपने को ठगा महसूस करता हूँ, एक तो इन्होंने टाइम पर डिलीवरी नहीं की और जो क्वालिटी मुझे आपने इन्होंने दिखाई थी वो क्वालिटी नहीं है, दिखाई कुछ और क्वालिटी थी और जो भेजी गई है मेरे को वो बहुत ही अलग क्वालिटी है। तो किसान भाइयों, ऑनलाइन कंपनियों में एक चीज़ का ध्यान रखें, उसी कंपनी का लें, वहीं से लें ऑनलाइन में, ऑनलाइन लेने में कोई बुराई नहीं है, मैं नहीं समझता, कि जहाँ पर कोई गारंटी हो। जैसे अमेजन से अगर आप खरीदते हैं तो 10 दिन तक आपको बिना कोई सवाल किए आप उसको वापस कर सकते हैं और आपका पैसा सुरक्षित है, जबकि इस केस में ऐसा नहीं है। मेरे तो लगभग 7,600 रुपये डूब गए, ये कंपनी न मेरे को वापस करने वाली है न ये, जब मैंने इनसे बात की मेरा क्यों डिले हुआ तो इन्होंने उसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और कहने लगे जी हमने तो भेज दिया, आप कंपनी नहीं करती ट्रांसपोर्ट कंपनी तो मैं क्या करूँ। इस चीज़ का ध्यान रखिए और ऐसे कंपनियों से सावधान रहिए जो ऑनलाइन में विश्वास नहीं करती, अपने जो कंज्यूमर हैं उन पर विश्वास नहीं करती, उनके साथ धोखाधड़ी करती है, उनसे नहीं खरीदना चाहिए। तो ये थी वर्मी बेड की सच्चाई, वर्मी बेड ऑनलाइन परचेजिंग की सच्चाई। अगर आपका अभी भी कोई प्रश्न है तो मुझे लिखिए, मुझे आपके उत्तर देकर खुशी होगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।